आज के फनकार। दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमर खान। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे मशहूर गीतकार और शायर नक्श लालपुरी साहब की। मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा, मेरी आवाज को दर्द के साज को तू सुने ना सुने, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा। मोहब्बत का हासिल है दीवानगी, मुझे देख कर कह रहे हैं सभी मोहब्बत का हासिल है दीवानगी, प्यार की राह में फूल भी थे मगर मैंने कांटे चुने, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा, मेरी आवाज को दर्द के साज को तू सुने ना सुने, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा। कॉलेज के दिनों से ही नक्श साहब का झुकाव उर्दू अदब की तरफ था, इसलिए उनके गुरुजन उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया करते थे कि तुम्हें उर्दू या अदब साहित्य के क्षेत्र में ही जाना चाहिए, तुम साहित्य के क्षेत्र में बड़ा नाम कमा सकते हो। इसलिए नक्श साहब ने भी अपनी कलम के माध्यम से कविता को ही अपना साथी बना लिया। कई सदियों से, कई जन्मों से, कई सदियों से, कई जन्मों से, तेरे प्यार को तरी थे मेरा मन आजा, साहब ने गीत भी ऐसे लिखे जो सदियों तक सुने और गाए जाएंगे। इन अमर गीतों के जनक नक्श लियालपुरी साहब का असली नाम था जसवंत राय शर्मा। ये वही गीत है जिसको मैंने धड़कन में बसाया है, ये वही गीत है जिसको मैंने धड़कन में बसाया है, वही गीत है ये वही गीत।
जसवंत राय शर्मा यानी नक्श लियालपुरी साहब का जन्म अविभाजित भारत के लियालपुर गांव में हुआ 24 फरवरी 1928 को। लियालपुर अब पंजाब में है। नक्श लियालपुरी को सभी नक्श लियालपुरी के नाम से ही जानते हैं। विभाजन के बाद नक्श साहब का परिवार लखनऊ आ गया और रोजी रोटी की तलाश नक्श साहब को लखनऊ से बंबई, जो कि अब मुंबई कहलाता है, यहाँ आ गए। यहाँ मुंबई में उन्हें पोस्ट एंड टेलीग्राफ विभाग में नौकरी मिल गई। नौकरी की नीरस जिंदगी उन्हें ज्यादा दिन भाई नहीं, उनके लिए तो सबसे सरस और सहज था गीत लिखना, और यही कारण था कि वो सिनेमा की दुनिया में आ गए। और 1952 में उनकी मुलाकात हुई फिल्म निर्माता जगदीश सेठी से, और उनकी 1952 में ही बनी फिल्म जग्गू में नक्श लियालपुरी साहब को पहला गीत लिखने का मौका मिला। गाने के बोल थे, अगर तेरी आंखों से आंखें मिला लूं, लेकिन सफलता से उनकी किस्मत की आंखें मिल नहीं पा रही थीं। इस दौरान वो पंजाबी की हल्की फुल्की फिल्मों में गीत लेखन करते रहे। हर मोड़ पर अपनी कामयाबी को ढूंढने वाले नक्श साहब की सदा किस्मत ने आखिर सुनी 1970 में, जब उनका लिखा फिल्म चेतना का एक गीत लोगों की जबान पर थिरकने लगा। जहां दिल झुका था वहीं सर झुका,
मुझे कोई सजदों से रोकेगा क्या, जहाँ दिल झुका था वहीं सर झुका। मुझे कोई सजदों से रोकेगा क्या, काश टूटे न वो आरज़ू ने मेरी ख्वाब जो है बुने। मैं तो हर मोड़ पर तुझको ढूंढा सदा, मेरी आवाज को दर्द के साज को तू सुने ना सुने। मैं तो हर मोड़ पर तुझको ढूंढा सदा, मैं तो हर मोड़ पर तुझको नक्श साहब के लिखे गानों के नक्श हम सब के दिल की राहों से होके जाते हैं और हमारी रूह में उन गीतों का एहसास हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। उल्फत की रस्म को निभाते हुए दो दशक से ज्यादा वक्फा बीतने के बाद फिल्म संगीत की दुनिया में नक्श लालपुरी साहब एक समर्थ गीतकार के रूप में स्थापित हो पाए। उल्फत में जमाने की हर रस्म को ठुकरा, लालपुरी साहब को लगातार सफलता मिल रही थी। गीतों की दुनिया में नक्श साहब के बोलों का रंग, उनकी खुशबू
एक अलग एहसास दिलों में जगा रहे थे। माना सहज और सरल स्वभाव के नक्श लायलपुरी साहब से मिलकर बहुत खुशी मिलती थी। वो जिससे भी मिले उनकी स्मृतियों में हमेशा हमेशा के लिए बस गए। हमारी स्मृतियों में विविध भारती में उनकी आमद का वो दिन आज भी ताजा है। इस मुलाकात में उन्होंने अपने कई राज कई दर्द हमसे और आपसे शेयर किए। मैं 1952 में मैंने पहला गीत लिखा, फिल्म का नाम जग्गू था, जगदीश सेठी साहब ने बनाई थी फिल्म इंडिया, तो म्यूजिक मौका तो आराम से मिल गया था। आराम क्या, वैसे स्टेज प्ले लिखा था, उसमें जो हीरो थे वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे जगदीश सेठी साहब के, उनकी फिल्म शुरू हो रही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि आप इतना अच्छा लिखते हैं फिल्म के लिए क्यों नहीं लिखते। तो मैंने उनसे कहा मैंने कभी फिल्म के लिए सुना है कि नए आने वालों के साथ बड़ी बदसलूकी होती है, मुझमें हौसला नहीं है। मैंने 140 संगीतकारों के साथ काम किया है, सब उसमें कृष्णलाल भगतराम भी हैं, वो कल्याण जी भी हैं, एलपी भी हैं, आरडी भी हैं, और अपना मदन मोहन भी हैं, रोशन भी हैं, खय्याम भी हैं, जयदेव भी हैं। खय्याम साहब के साथ नूरी में था मैं, खानदान में था मैं, दर्द में था, आहिस्ता आहिस्ता में था, दिले नादान में था। मैंने ये इतना अरसा भी उनके साथ काम किया, मैंने 74 सॉन्ग रिकॉर्ड किए उनके साथ, इससे अंदाजा लगा लीजिए। उपचुन साहब मेरी जब उनसे मुलाकात हुई तो बहुत ही काम नहीं था उनके पास, तो ये फिल्म जो थी जिसमें मैंने लिखा उसमें 4 गाने शैलेंद्र जी लिख चुके थे, एक गाना प्रेम धवन लिख चुके थे, मधु नाम की फिल्म थी, तो इसमें 2 गीत मेरे मेरे हिस्से में आए, वैसे 3 थे। रोशन जी ने रिकॉर्ड नहीं किया, वो बोला वह गाना बहुत खूबसूरत बना है और वो करण दीवान के लिए मैंने रिकॉर्ड नहीं करूँगा, तो इतना खूबसूरत गाना उसको देख के मैं नहीं उस पर नहीं पूछा, तो ले गया साथ ही वो गाना रह गया। बाकी लता जी का एक गाना बड़ा सिंपल सा सादा सा, धानी चुनर मुरी है रे जाने कहाँ उड़ी जाए। लता जी से के हाँ एक असिस्टेंट था लड़का, वो उनको शायर की जरूरत थी जो उनके हिसाब से काम कर सके, तो लड़का मेरे जान पहचान का भी शायर उसने आके उनसे मिलवाया और बाकी उनको काम अच्छा लगा, फिर बहुत काम किया मैंने। तू लाली है सवेरे वाली गगन रंग दे तू मेरे मन का,
का जो सूरज हमारे मन के गगन को अपने गीतों की लालिमा से बार बार रंगने वाले नक्श लालपुरी इस दुनिया फानी से तो चले गए, लेकिन 22 जनवरी 2017 को जब नक्श लालपुरी ने आखिरी सांस ली, तब अपने पीछे छोड़ गए अपनी कलम से निकले अनगिनत नगमगी नक्श, और अब उन्हीं नक्श को उनके चाहने वाले ढूंढते रहेंगे, तलाश करते रहेंगे। शायर नक्श लालपुरी को समर्पित आज का ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे विविध भारती पर, आलेख और स्वर अमरकांत का, कार्यक्रम के प्रोड्यूसर रमेश गोखले। अब नमस्ते। आज के फनकार।